बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर की शादी की खबरों ने पिछले कई दिनों से सुर्खियां बटोर रखी है। सोनम और आनंद 8 मई को मुंबई में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। ऐसे में दोनों की शादी को लेकर हर रोज नई नई खबरें सुर्खियों में हैं। सोनम कपूर की शादी के लिए रिश्तेदारों का जुटना शुरू हो चुका है और तो और शादी की रस्में शुरू होने से पहले अनिल कपूर का बंगलो भी सजकर तैयार हो चुका है। खबरों की माने तो सोनम कपूर की मेहंदी, संगीत, हल्दी और शादी से लेकर सब तैयारियां खूब जोरों शोरों से चल रही है। आपको बता दें, सोनम की संगीत सेरेमनी में फिल्म मेकर करण जौहर प्रेम रतन धन पायो पर परफॉर्म भी करने वाले हैं। इसके अलावा दुल्हन सोनम के पापा मम्मी अनिल और सुनीता कपूर अपनी बिटिया की संगीत सेरेमनी में स्पेशल परफॉर्मेंस देंगे। तो वही अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह सुपरहिट गाने माई नेम इज लखन पर डांस परफॉर्मेंस देंगे। सोनम की कजिन सिस्टर जाह्नवी कपूर अपनी माँ श्रीदेवी के दो गाने किसी के हाथ ना आएगी लड़की और मेरे हाथों में 9-9 चूड़ियों पर परफॉर्म करने वाली है। तो वही फराह खान डांस कोरियोग्राफ करेंगी। वैसे आपको बता दें कि सोनम कपूर शादी के बाद आनंद आहूजा को एक स्पेशल गिफ्ट देने वाली है। दरअसल ये गिफ्ट सोनम के लिए बहुत ही स्पेशल है और उनके दिल के बहुत करीब है। ये गिफ्ट कुछ और नहीं बल्कि सोनम के हाथ से लिखी हुई एक कविता है। हाल ही में सोनम कपूर ने एक इवेंट में कहा था, वैसे तो मैंने कई कविताएं लिखी है लेकिन एक ऐसी कविता है जो मैंने 16 साल की उम्र में लिखी थी। उस कविता को लिखते समय मैंने खुद से वादा किया था कि जब मैं अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ लूंगी तो मैं कविता उसे दूंगी। जिस दिन मैं शादी करूंगी उसी दिन ये कविता अपने पति को दे दूंगी। कविता देते समय मैं उनसे कहूंगी कि मुझे ऐसी ही लाइफ चाहिए और आशा है कि हम दोनों इस पर काम करेंगे। बस अब फैंस को इंतजार है 8 मई का, जब वो सोनम कपूर को शादी के जोड़े में देखेंगे।